सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। शलके दुर्घ शिववाच देवे त्वं भ्रतसुलभ सर्वकार्य विधायने कलाहे कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः देव्योवाच शृणा देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वे च साधनौ मया त्वमेव स्नेहेन प्रम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनष्टभ छन्दः श्रीमहाकाले महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः चेतांसि देवे भगवते सा फलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छते दुर्गे स्मृता हर्षभेतमशन्त स्वस्ति स्मृता मतिमतेव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा धृत्ता सर्वमङ्गल मङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमस्ते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थि हरे देवे नारायणे नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वयव्यासायिनो देवे दुर्गे देवे नमस्ते रोगा न शेषा न पहंस दुष्टा दृष्टा दुकामान सकला न भीष्टा त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मभैर्विनाशन ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गाष्टत्र शतनाम स्तोत्र ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि सुनश्वाकमलाटने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रेता भवेत्सरे प्रीता भवानी भवमहाजने कार्या दुर्गा जया चाचा त्रिनेत्रा शूलधारणे विनाकधारणे चित्रा चन्द्रगण्डा महातपा मना बुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपाचिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दा सुरमणि अनन्ता भावने भाव्य भव्य भव्य सदा गतिः शाम्भवे देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षगण्या दक्षयज्ञ विनाशने अवर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावते पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीरञ्जने
अमेय विक्रमाक्रूरा सुंदरे सुरसुंदरे वनधरगाज मातंगे मतंग मणिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्रे कौमारे वैष्णवे तथा चामुंडा चैव वाराहे लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमला दर्शने ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना मिशुं बशुं वाहनने महिषासुरमर्धने मधुकैटवान्द्रे च चण्डमुण्डा विनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वधानवघातने सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वाश्रधारणी तथा अनेकशास्त्रहस्ता च अनेकासस्य धारणे कुमारी चन्या च कैशोरे युवते यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरे मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अनेज्वालोद्रमुखे कालरात्रे तपस्विनी नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलाधरे शिवदूते कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने या इदं प्रवदे नित्यं दुर्गा नाम सदाशिवम् नासाध्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं अयं हस्तिनमेव च चतुर्भर्गं तथा चान्द लभन्मोतिं यशाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयत्परया भक्त्या पठे नाम सदाशिवम् तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वे हि सुरबलैरपि रायाणां दाशदां यान्ते राज्याश्रियमा पुण्यात् घोरचनालग्नमेण सिन्धूरकर्पूरमभत्रेण विलक्ष्यन्द्रं विधिना विधिज्ञ भवे सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्यानि सामग्रे चन्द्रे चतुर्विशं गते विलक्या प्रवदे स्तोत्रं सर्वभेदां बलां कलः प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवघ के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ये भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपके मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकरण माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी है, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ
उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती ही, धन लाभ होते ही, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती ही, वह आरोग्यता को प्राप्त होती ही, दीर्घायु को प्राप्त होती ही, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मजगजन्य मजगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच। ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषे अनशभचन्द्रः चामुण्डा देवता अञ्जन्या स्वतमादरा बेजौ देवन्धदेवता तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे वियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेरोवाच। ॐ यद्वयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जनकस्याचिदाख्यातं तन्मे लोहे पितामहः। ब्रह्मोवाच अशिवयतमां पित्र सर्वभूतोपकारकम् देव्याशोकमजं पुण्यं दशरश महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुष्माण्डेति जनोत्थकम् पञ्चमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाशमम् नवमं सिद्धिदात्रे च नवदुर्गः प्रकीर्तिता उत्तराणि तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निनाधयमानसो शत्रुमध्ये गदोरणे विषमे दुर्गमे चैव भ्यातः शरणं व्रता नादेशं जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखमयं नहि येषु भक्त्या सुदानूनां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां सुमन्ति देवेशे रक्षसे तान् संशयः प्रियतसंस्थातु चामुण्डा वाराहि महिषासना येन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवे गरुडासना माहेश्वरे वृषारूढा कौमारे शिखवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवे पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवे ईश्वरे वृषवाहना ब्रह्मे हसलमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नापशोभिता दृश्यन्ते रसमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदं शक्तिमलं च मुसलायुधं हेडनं तामरं चैव परशं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च दारयन्तायुधानि त्वं देवानां वैलाय वै नमस्ते सोमहारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाभयमहोत्साहे महाभयविनाशने राहिणां देवदस्पृक्ष शत्रूणाभयवर्धने प्राचां रक्षत मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वधवाराहि नैत्यां खड्गधारणे प्रतिचाम्बारुणे रक्ष वायव्यां मृगवाहिणे उदिचाम्बाधकौमारे एषाणां शूलधारणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष रदस्तावेष्णवे तथा एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डा शववाहना जया मे चागलः पातु प्रिया पातु पृष्ठतः अजिता पाम पार्श्वत दक्षिणे च पराजिता शिखा मध्योदने रक्ष अमा मूर्धने व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च प्रभो रक्ष दुधस्वने त्रिनेत्रा च प्रभोर्मध्य जमघण्टा जनाशिके शङ्खणे चक्षुषोर्मध्य श्रोत्रयोर्द्वारवासने कपालोकालिङ्गारक्ष कर्णमूले दशाङ्करे
नासिकायां सुगन्धा च उत्तर शेषशर्षिका अधरे च मृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तारक्षतकौमारे कण्ठदेशे सुचण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे च संरक्ष्य वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवंशे धनधरे नीलग्रीवाभये कण्ठे नलिकां नलकोबरे सन्देहाखर्गणे रक्ष बाहो मे वज्रधारणे हस्योर्दण्डने रक्ष अम्लिताजाङ्गुलेषु च नखाचुलेश्वरे रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरे ततो रक्ष महादेवे मनः शोकविनाशने हृदये ललिता देवे उदये शोकधारणे नाभौ चकामने रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरे तथा पूतनाकामिकामेढं हृदय महिषवाहिनि कट्यां भगवते रक्ष जानने विन्द्यवासिने यज्ञे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायने गुल्फयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे दुधेजसे पादाङ्गुलेषु ते रक्ष पादादस्थलवासने नखाङ्गसागराले च केशाञ्च वर्धकेजने रोमकोपेशकोमेरे त्वजं भागेश्वरे तथा रक्तमज्जामसामासान्यस्ति मेधांसि पार्वते अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुगटेश्वरे पद्मावदे पदाकोश कभे चोडामणे सदा ज्वालामखे नखज्ज्वालां प्रवेद्या सर्वसन्दश शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां चत्रेश्वरे तथा अहङ्कारमणबुद्ध रक्ष मे धर्मधारिणि प्राणापाणा तथा व्यानं पदानं च समालकम् वज्रहस्ताच मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसरूपे च गन्धे च शब्दे स्वस्य निलोगने सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणे सदा आयु रक्षत वाराहे धर्मं रक्षत वैष्णवे यथा कीर्तिं च लक्ष्यं च धनं विद्यां जगत्क्रमे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशुं मे रक्ष चण्डिके पुत्रालक्ष महालक्ष भागं रक्ष भैरवे पन्थानां सुमतारक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा रायद्वारे महालक्ष विजयासर्वदास्थिता रक्षायेन तुलस्थानम् अर्जितं कवचेन तु तत्सर्वमक्ष मे देवे जयन्ते भामनाशने परमेकं न गच्छतो जनेशुमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छते तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमतुलं प्राप्यते भूतलेपमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेश पराजितः त्रैलोक्ये तु मे तोज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानाम विदुर्लभम् यापटे प्रयतो नित्यं त्रिनन्द्यं यद्धेयान्वितः देवी कलाभवेतस्य त्रैलोकेश पराजितः जीवे दाक्षरं जाग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति राधयः सर्वे लोधा विस्फोटकादयः सावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चाभियसुदृशम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूतलः केचराश्चैव जलजाचोपदेशिका सहजाकुलजा माला ढाकने शाकने तथा अन्तरिक्षा जला घोरा ढाकिन्यश्च महाबला भूतभिराचाश्च यच्च अन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालः कुसुमाण्डाभिर्वादयः दशन्ति दर्शनाथस्य कवचे संस्थिते मानादेव वैराग्यस्तेजो वृद्धिकरं परम् जगत्सा वर्धते स्वपि कीर्तिमण्डितभूतले जले सप्तशतेर्जण्डिं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं दत्ते सहलाभनकारणम् तावत् तिष्ठति मे दिन्यां सन्तते पत्रपात्रगे देहान्ते परमं स्थानं यसुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेनाथ मोदते
मन्त्रस्य विष्णुर्विषये अनष्टमचन्द्रः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा पीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच मंगलाकाले भद्रकाले कपालने दुर्भाक्षमाशु बाधाते स्वाहा सुधा नमासुभे जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारणे जय सर्वगते देवे कालरात्रे नमासुभे मधुकेतुमभिद्रापि पितात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जये महिषासुरनिर्णाशे भक्तानां सुलभे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुजो जये रक्तबीजापदे देवे चण्डमण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुजो जये शुम्भसेवन शुम्भस्य तुम्राक्षसजमर्दने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुजो जये मन्दिराङ्गे युगे देवे सर्वसौभाग्यदायने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जये अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जये न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जये सुभद्रभक्तिपूर्वान्तं चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जये चण्डिके सर्वदं व्यत्वम् अर्जयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जये देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जये विदेहि दुष्टां नाशं विदेहि बलमच्छके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जये विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जये सुरासुरशिरोरत्नानिर्दिष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जये विद्यावन्तं सर्वान्तं लक्ष्मीवन्तं विनाकुरो रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जये प्रचण्डदैत्यसर्वज्ञे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जये चतुर्भुजे चतुर्भत्र संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जये कृष्णसंसुते देवे सर्वभक्त्या सुदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जये हिमाचलसुधानाथ संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जये इन्द्राणि पदसर्वापूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जये देवे प्रचण्डदोर्दण्ड दैत्यसर्पविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जये देवे भक्त्यनादाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जये वदने मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारणे धारणीं दुर्गसंसारसागरस्याकुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तसति सङ्ख्या फलमाप्नोति सम्पदा ॐ अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलमन्त्रस्य शिवऋषिः अनष्टमचन्द्रः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बाभेत्यर्थ सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच
ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदिते प्रचक्षुषे श्रिया प्राप्त निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेधर्षियाने मन्त्राणामभिकीलकम् स्वभिज्ञमवाप्नोति सततम् जापदत्पुरः सिद्ध्यन्तचाटनादेने वस्तुने सकलानपि यदेन समतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रोणौषधम् तत्र नाकेन्द्रेत विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्रान् विसिद्ध्यन्ति लोकशङ्काभिमानः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रमेकण्डिकायासो तत्रम् जगारसः समात्रेण च पुण्यस्य ताम् यथा वन्नियन्त्रणाम् स्वभिक्षेमवाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् वाचदर्शम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसेदते एतरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्किलाभिधायेण नित्यम् जवदेशम् गुरम् स्वाशुद्धः सागणासोऽपि गन्धर्वो जायते नः न चैवोपनिदस्तस्य भयम् कापि अजायते नापवित्योपचार्यादि मृतो मोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणा विनश्यति ततो ज्ञातेव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते भवे सौभाग्यादि यज्ञञ्च दृश्यते ललनायणे तत्सर्वम् तत्र जागेन तेन जाप्यामिदम् शुभम् शनेषु जाप्यमानेषु स्तोत्रे सम्पत्तिलक्षके भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् येषयम् यत्प्रसादेन सौभाग्यालोक्यसम्पदः शत्रुहानि परोमोक्षः श्रूयते सोढक्यम् जने श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्रम् अगिर्नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनदे गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विश्वविलासन विश्वमदे भगवते श्रीखण्डकटुम्बनि भोरि कटुम्बनि भोरिकिरे जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकवरदनि जयनसुते सुरवरमर्दिनि सुरधरवरदिनि धुलमकमर्दिनि हरजनते शिवपणपोषणभङ्गलतोषणजलदशभोषण गोचरते धनुजनिरोचन चतुसुतरोचन दुर्मदोषण सन्दे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपरदन जयरथे हरि जगदम्बमदम्बकदम्बनप्रियपोषणि हादरदे शिखर शिरोमन तङ्गमालय शृङ्गन जालय पाचकते मधु मधुरे मधुरे गवभञ्जन गवभञ्जनि हादरदे जय जय हे महिषासुरमर्दन जयलदे हरि गदगण्डभिगण्डरु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 
I'm
मम रम रम शिव राम धने भवते के भया के मम
अब अंतिम काले लास्ट पेज पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना ही अक्षमा प्रार्थना अपराध शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस माँ भगवती जगजन्य के चरण बैठ करके इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ की भक्ति करने का, माँ से प्रार्थना करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्ति में
वास्तव में अद्भुत शक्ति होती ही और भक्ति से ही सब प्रकार के कष्ट दूर होते ही, दुखों का नाश होते ही, सुखों की प्राप्ति होती ही, जीवन यात्रा जो है कल्याणमय हो जाती ही। इस लोक में भी वह भक्त जो है कल्याण को प्राप्त होते ही उनका परलोक भी जो है कल्याणमय हो जाता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक जो है इस संसार में आकर के मनुष्य को जो है जितना हो सके वह माँ भगवती आदि शक्ति की अपने इस देव की खूब भक्ति करें, नाम जप करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती ही और कभी कोई जीवन में किसी भी पल किसी भी क्षण मनसा वाचा कर्मणा मन के द्वारा मन में कोई बुरा विचार आ जाए, गलत विचार आ जाए, कोई विकृति आ जाए, वाणी के द्वारा जो है मुख से कभी किसी के लिए कोई गलत शब्द निकल जाए, शरीर से जो है कभी किसी का कोई अनिष्ट हो जाए तो क्षमा प्रार्थना करें। जहां पर हमसे गलती होगी कि माँ हम पर कृपा कीजिए, ऐसा क्रोध हमें क्यों आया, ऐसा बुरा विचार क्यों आया, माँ कृपा कीजिए, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि कर्णिकार यही है। जब वास्तव में उसी की लीला होती है, उसी की चलाए हम चलते हैं, उसी के बुलाए हम बोलते हैं, सब क्रिया जो है सब उसी की कृपा से हो रही है। आप माँ के दरबार में आए हैं तो उसकी बड़ी ये कृपा है, वह बुलाते बुलावा भेजती है, आशीर्वाद देती है शुभ करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए। कहते कि जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में भीष्म पितामह जब युद्ध भूमि में गिर गए, बाणों के शज्जे पर पड़े हुए थे, तो कहते हैं कि उस समय काल जो था भीष्म पितामह के पास आया। भीष्म पितामह को लेने के लिए तो भीष्म पितामह ने उसे कहा मैं नहीं जाऊंगा। काल को वापस भेज दिया और कहा मुझे तो परमात्मा लेने के लिए आएंगे, भगवान आएंगे, क्योंकि भगवान ने मुझसे कहा था कि अंत काल में मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। भीष्म पितामह की ऐसी भक्ति थी, गंगा तट के किनारे बाणों के शज्जर पड़े हुए हैं और तड़फ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं भीष्म पितामह तीन बार जो है भगवान से प्रार्थना किए करते थे और तीन बार मनुष्य को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रातः काल, मध्यान काल और सायंकाल, जो त्रिकाल संध्या बतलाई गई है। भगवान का स्मरण करें तो जीवनों का भी विघ्न बाधा नहीं आएंगी। तड़फ रहे हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आपने मुझसे कहा था कि अंत काल में मैं आऊंगा, आपको दर्शन दूंगा, और भीष्म पितामह चाहते हैं कि भगवान मेरे सामने आए, उनके सामने मैं अपने प्राण त्यागूं, वो मुझे लेने आए। और जिस स्थान पर गंगा तट के किनारे भीष्म पितामह जी बाणों के शज्जर पड़े हुए हैं, वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा वहां पर आए हुए हैं। किस लिए? एक महापुरुष का मन देखने के लिए, कैसे इसका मन होता है। मैं आपको जो भक्ति बात बतला रहा हूं, भक्त में कैसी अद्भुत शक्ति होती है, कैसे इन भक्तों का मरण होता है। वहां पर महर्षि व्यास जी वहां पर आए हुए हैं, देवश्री नारद जी आए हैं, परशुराम जी आए हुए हैं, और ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा वहां पर एकत्रित हुए हैं, बैठे वहां पर, और भीष्म पितामह बाणों के शज्जर पड़े हुए हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। उधर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो है, क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका है, युद्ध समाप्त हो चुका है, पांडव को जो है अब
राज्य की प्राप्ति हो चुकी है। जो अनुभव युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को हुआ था वही जो है विजय प्राप्त करने के उपरांत जो है महाराज युधिष्ठिर को जो है वही अनुभव हुआ। युद्ध के समय जब अर्जुन जो है वह देख रहे थे दोनों ओर जो है परस्पर हम भाई भाई हैं, उधर देखते हैं तो भाई हैं, गुरु जी हैं, आचार्य जी हैं, सखा संबंधी हैं, भाई बंधु हैं, भीष्म पितामह जी हैं, तारश्री इधर भी, तो अपने सखा संबंधियों को मार करके राज्य क्या करेंगे। और जय अनुभव जय युद्ध जीतने का प्राण जो है जय महाराज युधिष्ठिर को होगा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा महाराज सब समाप्त हो गया, जो सखा संबंधी भाई बंधु थे सब मर गए, अब ये राज्य क्या करेंगे, शोक हुआ। और भगवान की सारी लीला वह तो सब जानते हैं, तो उन्होंने कहा देखो कहते कि राज्य का क्या करना है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भीष्म पिता महा के पास जाकर के उनसे पूछो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि भगवान वहां जाना चाहते हैं, उसका परलोक उसका मन सुधारना चाहते हैं। जो भक्ति करते हैं उनका मन सुधरता है, भगवान आते हैं उनको लेने के लिए। पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण जो हैं अब गंगा तट के किनारे आए हैं, जहां पर भीष्म पितामह भवानों के सज्जर पड़े हुए हैं, भगवान के दर्शन हुए, बड़ा हालात हुआ, बड़े प्रसन्न हुए भीष्म पितामह भगवान के दर्शन हुए। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, भीष्म पितामह ने उसे आशीर्वाद दिया और देख करके विचार करने लगा कितना सुंदर लड़का है, कितना इसका पवित्र जीवन है। आशीर्वाद दिया तब जो है भगवान ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, इनको ज्ञान दीजिए, क्योंकि उस समय वास्तव में इस सृष्टि पर उनके समान जो है कोई ज्ञानी हुआ ही नहीं और ना ही होगा। इतने विद्वान शास्त्रों के ज्ञाता, इतने तपस्वी, इतने शूरवीर, हर तरह से वे संपन्न थे, शक्ति संपन्न जो है सब प्रकार की शक्तियों से। तब जो है भीष्म पितामह जी ने उन्हें ज्ञान दिया और कहा देखो युधिष्ठिर किस बात का शोक करते हो, किस बात के लिए आप चिंता करते हो, देखो धर्मराज युधिष्ठिर कि जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा जो जीवन भर जो है साधना करते हैं तब करते हैं, कहीं एक पल के लिए उसके दर्शन हो जाए, तो साक्षात परमपिता परमात्मा तेरे घर में बैठे हुए, तुझे किस बात की चिंता है। तो जो भक्ति करता है, जिस इस दीप की भक्ति करता है उसे उसकी चिंता हो जाती है। अब माँ के दरबार में आए हैं, माँ की साधना करते हो, माँ से प्रार्थना करते हो, तो माँ को आपकी चिंता है, माँ को क्या करना है। आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, माँ अपने कर्तव्य का पालन करेगी, किसी को कोई चिंता होगी नहीं जीवन में। इसलिए इस प्रकार से अपना जीवन बनाए कि चिंता करनी ही नहीं, आप अपना कर्तव्य का पालन कीजिए और धर्म के मार्ग पर चल, धर्मानुकूल कर्म कीजिए, माँ का स्मरण कीजिए, माँ अपने आप सब चिंता आपकी दूर करती जाएगी। आशीर्वाद दिया है। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि प्रभु मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, और सभी बड़े बड़े महापुरुष वहां बैठे हुए हैं, वह देख रहे तक जो है किस प्रकार से जो है ऐसे ज्ञानी जो है इनको भी कुछ पूछना है, क्या पूछते हैं। तब भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, गंगा पुत्र भीष्म, मां गंगा का पुत्र हूं, परम पवित्र हूं, अपने जीवन में
जहां तक मुझे याद है मैंने कोई पाप नहीं किया है, कोई पाप किया ही नहीं, ना मन के द्वारा ना मारने के द्वारा किसी प्रकार का कोई पाप किया नहीं, और भली प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन किया है। तो भी जी जी मुझे कष्ट मिला है, जो भावनों की सज्जा मिली है, बड़े कष्ट में हूं, आपका स्मरण भी कर रहा हूं, आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, आपसे प्रार्थना भी कर रहा हूं, आपका ध्यान भी कर रहा हूं, फिर मुझे वेदना जी कष्ट जो हो रहा है जी, क्यों कष्ट मिला मुझे ऐसा। भगवान ने कहा क्योंकि हम अपराध करके भूल जाते हैं, परंतु भगवान कभी नहीं भूलते, हृदयेश्वर सबकी जानता है, क्या क्या कर रहे हैं, उसके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं, हमारे विचारों को वह जानता है। आप घर में बैठे हैं तो जब घर से साधक चलते हैं तो माँ उनके हृदय की जानती है, हृदयेश्वरी सबके हृदय विराजमान है, और बच्चा चाहता क्या है, किस लिए आया है। भगवान कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, आपने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। मनुष्य जो है पाप करके भूल जाते हैं, परंतु मैं सदा याद रखता हूं, मुझे नहीं भूलता। भगवान कहते हैं कि जिस समय हस्तिनापुर में द्रौपदी को दुशासन ने केश से पकड़ के घसीटते हुए, उसका अपमान करते हुए भरी सभा में लाया, दुर्योधन और दुशासन ने उसका जब अपमान कर रहे थे, मुझे बतलाइए कि आप कहां थे। कहने लगे मैं उसी सभा में था। भगवान कहने लगे कि मैं भी उसी सभा में था, जिस सभा में आप सभी बैठे थे मैं भी उसी सभा में बैठा था। कहते हैं कि भगवान भी उसी सभा में बैठे थे, लेकिन भगवान के दर्शन केवल मात्र द्रौपदी को हुए थे और किसी को भी नहीं हुए थे, जिसकी अद्भुत माया है, कब किस पर कैसे कृपा करते हैं। तो कहने लगे कि उसका अपमान हो रहा था, असमर्थ थे, परंतु समर्थवान होते हुए भी आपने कुछ किया नहीं। पाप करना जितना पाप है, पाप देखना भी पाप है। करने वाले को जो फल मिलता है और देखने वाले को भी फल मिलता है, आपने पाप देखा, किया नहीं परंतु देखा, उसका फल है। कहते हैं भगवान मुस्कुराए और जैसे ही विष्णु पितामह की ओर उन्हें दृष्टि डाली, उसकी सारी वेदना, सारा दुख, सारा कष्ट चला गया। अब बिल्कुल शांत हुए। तब जो है भीष्म पितामह जी कहने लगे, प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सत्य वचन कहे हैं कि जहां पर मेरा पाप था, यही पाप था, मुझे पता नहीं चल रहा था मैंने कहां पाप किया है, कहां मुझसे भूल हुई है, क्योंकि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, उससे मेरी बुद्धि मलिन होगी, मेरी बुद्धि जो काम नहीं कर पाई, अन्न का प्रभाव बुद्धि पर होता है। तभी कहते हैं कि जब भी भोजन करें पहले भगवान को भोग लगाएं, प्रार्थना करें महाराज आइए, जैसा रूखा सूखा है इसको ग्रहण कीजिए, और फिर उसको प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कीजिए, तब भोजन प्रसाद हो जाएगा, उससे जो दोष होते हैं, अन्य दोष होते हैं, वह सब जो चले जाते हैं, वह प्रसाद हो जाते हैं, उस प्रसाद को खाने वाला का जो है उसकी बुद्धि कभी उसमें कुछ बुद्धि विकृति नहीं आती, विकार नहीं आते, उनका मन विचलित नहीं होता, उनके किसी प्रकार के रोग नहीं होते, निरोगी जीवन जीते हैं। इसलिए जो है दुर्योधन का अन्न खाया था, इस कारण से जो है मेरी बुद्धि मलिन हो गई, मैं उचित के अनुचित कोई निर्णय कर नहीं पाया, मैं स्कोर कर नहीं पाया, और इसलिए ये मेरा पाप है। विष्णु पितामह ने स्वीकार किया। तो मैं प्रारंभ आपको बतला रहा था, कभी जानने अनजानने में कैसे भी आपसे कहीं कोई गलत हो गया तो आपको अंतःकरण में अंदर से जो बात आ जाएगी, हृदयेश्वर अपने आप कहेगा कि जहां पर आपने गलत किया है, चाहे वह परिवार है चाहे कहीं बाहर है, तो जो है उस समय प्रार्थना करे, क्षमा प्रार्थना मां से, मां मुझसे जहां पर भूल होगी, ऐसी परिस्थिति ना आए, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसी सद्बुद्धि दीजिए,
ताकि मैं धर्म के मार्ग पर चलता हुआ धर्मन को कर्म करता हुआ आपके चरणों की भक्ति करता हुआ कल्याण को प्राप्त हो सकूं। ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो, शुभ हो, मेरा भला हो। ऐसा आप करें चाहे मुझे कष्ट ही क्यों ना भोगना पड़े, परंतु जिससे मेरी भलाई हो आप वही करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबका अपने कर्मों का फल है। और उस समय भीष्म पितामह जी ने प्रभु से कहा कि मैं आपकी शरण में हूं, मेरा मन मेरी बुद्धि जो है बिल्कुल अशुद्ध है और मैं मन बुद्धि आपको अर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं। जब कोई देता है तो भगवान भी कुछ देंगे। तो भगवान कहते हैं कि आज आप जो है अपनी मन बुद्धि मुझे समर्पित कर रहे हो, मुझे एक बात बतलाओ कि युद्ध क्षेत्र में जो है आपने कौरवों की ओर से युद्ध क्यों लड़ा, पांडवों की तरफ से क्यों नहीं? आज जब भीष्म पितामह जी को याद आ रहा है कि युद्ध के समय जब अर्जुन का रथ जो है भगवान कृष्ण चला रहे थे, अब वह सारथी बने हुए थे, हाथ में जो है घोड़ों की लगाम है, जो पूरे सृष्टि की जो है बागडोर संभाले हुए हैं, आज वही परमपिता परमात्मा अर्जुन के रथ की डोर संभाले हुए हैं। एक हाथ में चाबुक है, एक हाथ में वह लगाम है, एक हाथ जो है अर्जुन के सिर पे है, एक हाथ जो है आपका भर मुद्रा में है। और जी मैं देख रहा था उस समय, ऐसा दर्शन आपका हो रहा था कि आप अर्जुन से कह रहे थे अर्जुन मुझे भूलना मत। ये बड़ी एक विशेष बात है कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे भूलना मत, क्योंकि जब भक्त जो है जब मनुष्य जो है भगवान को अपने परमपिता परमात्मा को भूल जाता है तो ही कष्ट में आता है। और जब तक उसको याद रखते हैं, क्योंकि अर्जुन रथ में बैठे हुए युद्ध कर रहे हैं और युद्ध में कहीं अहंकार ना आ जाए मैं इतना शक्तिशाली जो सब कार्यों करने वाला वो ही बैठा था, ये तो निमित्त थे अर्जुन। तो वो आप जब कह रहे थे कि अर्जुन मुझे मत भूलना, कितनी कृपा थी उस पर जो है जिसका रथ आप हांक रहे थे, एक सिर उसके हाथ पे रखा हुआ है। आज याद आ रहे हैं भीष्म पितामह को कि मैंने जो है भगवान श्री कृष्ण पर जो है प्रहार किया, बाण मारे, क्योंकि दुर्योधन ने कहा कि आप जो है मेरा खाते हो और प्रीति पांडवों से करते हो। तो उस दिन जो है क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र था, शूरवीर था, इसलिए जो है मैं आवेश में आकर के जो है मैंने आप पर कितने प्रहार किए। कहते कि जिस समय उस समय क्रोध में आए थे भीष्म पितामह और बाणों की वर्षा कर दी भगवान पर जो है, कहते जब बाण जाते थे और जहां तक कि भगवान श्री कृष्ण का कवच जो था वह भी फट गया और उनका रथ धक्का खा के पीछे चला जाता था, ऐसे भीष्म पितामह जो है कहते हैं कि आप रथ के झंडे पर जो है हनुमान जी विराजमान थे तो हनुमान जी हुम हुम पुकारने लगे। जब हुम हुम पुकारने लगे तब जो है भगवान ने ऊपर की ओर देखकर कहा क्या करते हो? हनुमान ने कहा महाराज अब सहन नहीं होता। हनुमान ने रुद्र रूप धारण कर लिया, जब रुद्र रूप जो उन्होंने धारण किया तो कहते हैं भीष्म पितामह जी कह रहे हैं उस समय मैं भी घबरा गया। तब जो है हनुमान जी जब कहा भगवान से कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, जी आपको बाण मार रहा है, तो उसने कहा भगवान ने कहा जी सब मेरी लीला है तो चिंता मत कर, जे मेरी ही लीला है, मुझे कुछ नहीं है, मैं आनंद में हूं। बोलो सच्चे दरबार भगवान आनंदमय। तब जो है भीष्म पितामह जी कहने लगे महाराज मैंने कौरवों की ओर से युद्ध इसलिए किया कि आप अर्जुन के रथ विराजमान होकर के सारथी के रूप में जब सामने आएंगे तो मुझे साक्षी आपके दर्शन होंगे, परंतु उस पक्ष पांडव के पक्ष यदि मैं युद्ध करता तो आपके मुझे इस प्रकार के दर्शन नहीं होते। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने आप को जो उन्होंने अपने मन और बुद्धि को जो भगवान को समर्पित किया है और भगवान के सामने जो है इस प्रकार से उन्होंने अपने प्राण जो है त्यागे, इसलिए भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। भक्ति से मनुष्य का मन सुधरता है, भक्ति से मनुष्य जो काम पर विजय प्राप्त कर लेता है
और भक्ति में इतनी शक्ति होती है काल को वापस भेज देता है। इसलिए जीवन में जो है जितना हो सकता है अपने घर को चलाते हुए भगवान की भक्ति जो है, माँ के नाम का जप जो है, माँ की भक्ति करें, इससे जीवन जो आपका पवित्र होगा, जे लोग भी और परलोग भी आपका कल्याण में होगा। बोले सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा हूँ श्री विजय कुमार जी माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना सम्मिल कर ताली जाते श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरा वाली दा कलकत्या चलिए माता काल का रक्त दी धर आई कलकत्या चलिए माता काल का रक्त दी धर आई बल मसाला गज गज लाली छाई अखी माता दिया बल मसाला गज गज लाली छाई गज गज लाली छाई तेरी जय होवे जम्मू वाली काली माता तेरी जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे आज माँ के दरबार तक पहुंचे एक बार सभी भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए हाथ सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें आपके झोलियां भरे आपके मराधे पूरे करें आपका जीवन खुशियों से भव्यता करें पांदी लेंदी आर बनाई ओ पाई माता दे नेत सोवदा तुलसी की कर लाई ओ सबा मने दा खपर माता दा ओ भी परोंदा नाई राजा पूजा निसर चाई राजा पूजा निसर चाई मंगलवार सगले रचौंदा आउंदी संगत सारी मंगलवार आउंदी संगत सारी तेरी जय होवे जम्मू वाली काली माता तेरी जय होवे तेरी जय होवे जय होवे माता तेरी जय होवे कलकत्या
कालकारत जी तरे आई ओ सुखना माता कर दी पूरिया दिंदी काज बनाई सुखना माता कर दी पूरिया दिंदी काज बनाई ओ असी असी दर्शन को मेरी माता सारी संगत आई पाड़े जाई सुंदर भवन माता बनया पाड़े जाई दूरा दूरा दा संगत आउंदियां जय जय कर बुलाई दूरा दूरा दा संगत आउंदियां जय जय कर बुलाई तेरी जय होवे जम्मू वाली काली माता तेरी जय होवे वैष्णो पर काल का माई ओ आंदियां संगतां चढ़ने चढ़ाइयां पौड़ काल का माई ओ आंदियां संगतां चढ़ने चढ़ाइयां पौड़ काल का माई ओ जो किश मंगदे सो किश मिलदा दिंदी बेल बजाई तेरी जय होवे पारियां काली माता तेरी जय होवे तेरी जय होवे ओ मामे गियो पुत्र दिंदी भैने की वीर मिलाई ओ भुखे गी रोज भोजन मिलदा नंगे गी बस्तर लाई बचन तुहारे माता अमृत कथा सुनाई तेरी जय होवे जम्मू वाली काली माता तेरी जय होवे तेरी जय होवे पहाड़े वाली काली माता तेरी जय होवे जयकारा शेरावाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय तेरे दर ते चोली अटके जिसने अलख जगाई हे महामाये तू ते उस दी बिगड़ी गल बनाई हे
महामाइए तू ते उस दी बिगड़ी गल बनाई तेरे दर ते चोली अटके जिसने अलख जगाई तेरे दर ते चोली अटके जिसने अलख जगाई हे महामाइए तू ते उस दी बिगड़ी गल बनाई हे महामाइए तू ते उस दी बिगड़ी गल बनाई हे महामाइए तू ते उस दी बिगड़ी गल बनाई हे महामाइए तू ते उस दी बिगड़ी गल बनाई गुठली खोल दातिए हुण ते साडी वारी आई 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 महामारी आई वारी आईए साडी वारी आईए वारी आईए साडी वारी आईए वारी आईए साडी वारी आईए ओ जेड़े बिचुकते तेरे द्वारे जेड़े बिचुकते तेरे द्वारे उमा महा फड़फड़ तारे उमा महा फड़फड़ तारे चंगे तारे मंदे तारे चंगे तारे मंदे तारे जन्म जन्म दे गंदे तारे ओ जन्म ते कंदे तारे जदों दयालु तू मां होई ओ मैली चादर सब दी तोई मैली चादर सब दी तोई करमा मारे असी ही रह गए करमा मारे असी ही रह गए दिया सा दुहाई गुठली खोल दातिए हुण ते साडी वारी आई गुठली खोल दातिए हुण ते साडी वारी आई गुठली खोल दातिए हुण ते साडी वारी तेरे दर ते चोली अटके जिसने अलख जगाई ओ तेरे दर ते चोली अटके जिसने अलख जगाई हे महामाइए तू ते उस दी बिगड़ी गल बनाई हे महामाइए तू ते उस दी बिगड़ी गल बनाई गुठली खोल दातिए हुण ते साडी वारी आई गुठली खोल दातिए ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅਸਾਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਾਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਾਦੀ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋੜ ਹੈ ਕਾਦੀ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋੜ ਹੈ ਕਾਦੀ ਮਨੂੰ ਐਨਾ ਕਿਉਂ ਤਰਸਾਵੇਂ ਮਨੂੰ ਐਨਾ ਕਿਉਂ ਤਰਸਾਵੇਂ ਉਹ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਖਿੱਤਾ ਐਦਰ ਪਾਵੇ ਸੁਹਾਈ ਗੁਠਲੀ ਖੋਲ ਦਾਤੀਏ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੁਠਲੀ ਖੋਲ ਦਾਤੀਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੁਠਲੀ ਖੋਲ ਦਾਤੀਏ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੁਠਲੀ ਖੋਲ ਦਾਤੀਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਆਈਏ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈਏ ਵਾਰੀ ਆਈਏ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਮਾਰ ਲੈ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰ ਲੈ ਤੱਕੇ ਮਾਰ ਲੈ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰ ਲੈ ਤੱਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਈਏ ਢੀਠਾਂ ਪੱਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਈਏ ਢੀਠਾਂ ਪੱਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਈ ਗੁੱਥਲੀ ਹਾਂ ਗੁੱਥਲੀ ਗੁਠਲੀ ਖੋਲ ਦਾਤੀਏ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੁਠਲੀ ਖੋਲ ਦਾਤੀਏ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੁਠਲੀ ਖੋਲ ਦਾਤੀਏ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੁਠਲੀ ਖੋਲ ਦਾਤੀਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਜਿਸਨੇ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਜਿਸਨੇ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇ
अटके जिसने अलग जगाई हे महामाईए तू ते उसकी बिगड़ी गल बनाई हे महामाईए तू ते उसकी बिगड़ी गल बनाई उसनी खोल दाती हुण ते साडी वारी आई उसनी खोल दाती हुण ते साडी वारी आई उसनी खोल दाती हुण ते साडी वारी आई उसनी खोल दाती हुण ते साडी आई उसनी खोल दाती जयकारा शिरवर जी दा बोल सच्चे दरबार की जय यशपाल जी जयकारा श्री रामलीला बोल सच्चे दरबार की जय तू बंदे क्या जाने माता के चमत्कारों को तू बंदे क्या जाने माता के चमत्कारों को तू बंदे क्या जाने माता के चमत्कारों को और तू बंदे क्या जाने माता के चमत्कारों को माता के चमत्कारों को तू बंदे क्या जाने 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 माता के चमत्कारों को अरे करे सुखों को मेवा बांटे भूखों को तू हरे करे सुखों को मेवा बांटे भूखों को तू हरे करे सुखों को मेवा बांटे भूखों को तू हरे करे सुखों को मेवा बांटे भूखों को जिंदा मरे हुओं को कर जिंदा मरे हुओं को कर जिंदा मरे हुओं को वो भक्त ध्यानो जय दे कर जिंदा मरे हुओं को कर जिंदा मरे हुओं को कर जिंदा मरे हुओं को उस भक्ति को उस शक्ति को कोई निर्ली आंख पहचाने माता के चमत्कारों को बंदे क्या जाने 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 माता के चमत्कारों को गर्दी वन सागर तरना तूफानों से क्या डरना उसकी रजा में मरना उसकी रजा में मरना उसकी रजा में मरना तू सुमिरन कर और जीवन भर माने जा उसके कहने माता के चमत्कारों को तू बंदे क्या जाने माता के चमत्कारों को तू बंदे क्या जाने माता के चमत्कारों को बंदे क्या जाने माता के चमत्कारों को बंदे क्या जाने माता के चमत्कारों को ये दुख सुख ऐसे कहने जीवन के संग रहने जो हर एक के संग रहने
संग रहने ये दुख दुख ऐसे कहने जो हर एक के संग रहने जो हर एक के संग रहने जो हर एक के संग रहने ये दर्द जुदाइयों वाले पहले जो पड़ गए रहने पहले से पड़ गए रहने पहले से पड़ गए रहने ये दर्द जुदाइयों वाले पहले से पड़ गए रहने पहले से पड़ गए रहने पहले से पड़ गए रहने बदले का समा को जप ले नाम बस खुशी ने मेल कराने चमत्कारों को भुवन से क्या जाने माता के 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 चमत्कारों को 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 भोले सच्चे दरबार की जय जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय तीनों लोकन से न्यारी अम्बे मैया हमारी 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 मैया हमारी अम्बे मैया हमारी मैया हमारी अम्बे मैया हमारी मैया हमारी अम्बे मैया हमारी तीनों लोकन से न्यारी अम्बे मैया हमारी तीनों लोकन से न्यारी अम्बे मैया हमारी तीनों लोकन से न्यारी अम्बे मैया हमारी ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे देखो इंद्र लगावे बुहारी अम्बे मैया हमारी इंद्र लगावे बुहारी अम्बे मैया हमारी तीनों लोकन से न्यारी अम्बे मैया हमारी तीनों लोकन से न्यारी अम्बे मैया हमारी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी जग की मालिक अम्बे महारानी जग की मालिक अम्बे महारानी वो है सबकी पालनहारी अम्बे मैया हमारी सबकी पालनहारी अम्बे मैया हमारी तीनों लोकन से न्यारी अम्बे मैया हमारी तीनों लोकन से न्यारी अम्बे
तेरे मंगनों ना शर्माइए मंगनों ना शर्माइए मंगनों ना
सारे भंडारा विचू जो मंगिया सो पाइए तू मां भाग जगाउंदी जे कर जोत जगाइए ओ शेरा वाली मेर करी मां को दीवार कराइए ओ तू जदों मां अंग सग साडे फेर मतो घबराइए तेरे नाम दिनैया चढ़ के भबसा कर तर जाइए ओ तेरिया पेटा गागा तो ना पेट तेरी नुकाइए ओ मेर तेरी नरदोष होवे तेरे लाल कहाइए ओ मौज तेरी नी माइए नी मौज तेरी नी माइए शेरां वाली सच्चे दरबार की जय आरोड़ सिद्धांश भ्रमित जगण दक्षिण चौक सूत्र वाम हस्त दिभ्यांभ्र कणकमय पुस्तक जैन गम्य सभिन भदंत स्वकृत जपे शास्त्र विज्ञान शब्द ूपा कर कमलधर भरती सुप्रसन्न सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवाद 2075 उत्तरायण उत्तर गोल बसंत ऋतु चैत्र मास के आज 13 प्रविष्टि ही कृष्ण पक्ष आज षष्ठी तिथि ही मंगलवार तदनुसार 26 मार्च सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को मां भगवती की असीम अनुकंपा से मां भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यकर्मी ही जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में मां के चरण में बैठ करके मां भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बढ़ी रही और मां वैष्णो देवी सर्वदा अपने चरणों के साथ आपको लगाए रखें और आपके अब भक्तों को मां भगवती के चरणों की अविचल भक्ति प्राप्त हो और इसी तरह से मां वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक अपने दरबार में आपको बुलाती रहीं, अपना आशीर्वाद आपको देती रहीं और मां के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके घरों में आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, आप उत्तरत उन्नशील हो, उन्नति को प्राप्त हो और मां वैष्णो देवी हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करें, आपकी दीर्घायु करें, आपके कारोबार में वृद्धि करें, सर्वत्र आपका मंगल ही मंगल करें। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके शरण त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्ते। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु मां वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी मां वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भन भव श्रीमान जसस्वे भव प्रज्ञा भन भव भूर्भूत करणे दाने कनिष्ठ भव तेजस्वी भव धैर्य दर्भ दलने व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पुण्यतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देशो शरीर वर्चस आयुष्यम आरोग्यम अभिदात शुभमानम हियते
धनम धन्यम पशुं भोपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। I'm
मैया नगर कपूर बाजी पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय सच्चे दरबारी की जय। तब परम पूज्य पुजारी जी मां भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और मां भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे प्रेम से बल माता जी सम्मल बल सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे, सम्मिल करके बोलना ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन मन मां भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सब आरती का आनंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए, मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। रथ में गुरु जी को वंदना हमें जय मा
करो कल्याणी कल्याण मैया सुधर तो सतगरी जो शरणा भाग्यान जय Shantakaram, Bhagavatam, Padmanabham, Suresham, Vishwadharam, Gaganasaram,
मंगलम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिविद्यानगम वंदे विष्णु भवहरणम निर्भलोकेतनाथम कृतम रामनारायणम सुधामंगलम वासुदेवम श्रीधरम माधवम भक्तावल्लभम जानकीनायकम श्रीरामचंद्रम भये हरे मुरारे मुके द्वारे गोविंद गोपाल वंदन किशोरे ज्ञानम पदे शरणम पदे विद्या पदे भगवन् नमस्ते सत्या ज्योता माली माता तेरी सुरा पंचपूना रानी माता तेरी सुरा चंद्रावला चंद्र भाली माता तेरी सुरा सारे संसार विश्वांति देने वाली माता तेरी सुरा पुना चुका माफ करने वाली माता तेरी सुरा रंग करा बीठा गो तेरी सुरा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का विनाश हो धर्म का विनाश हो धर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का ज्ञान हो विश्व का ज्ञान हो विश्व का ज्ञान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो हर हर महादेव गुरु बाबा शिवर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूरी हो जकारा शेरवालिदा जो जो से